लग रहा है या नहीं। ये वाला पाँव क्यों खुला है? ये देखें, ये बड़ा भी है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक है। और मैं आई हूँ एम्पोरियम मॉल, और ये रहा बैग, ये रही मैं। तो मॉल आई हूँ, यहाँ भी कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। कल लिबर्टी गई थी, इचना बाज़ार गई थी, तो आज मैंने कहा एम्पोरियम जाती हूँ, देखती हूँ कोई वैरायटी, कोई सेल लगी हो। समर सेल, अब सर्दियाँ गर्मियाँ जा रही हैं, 2 मंथ्स जाएंगे, तो मैंने कहा देखूँ कोई सेल लगी हो मज़े की। तो देखते हैं आउटफिट वगैरह में, कोई टी शर्ट्स वगैरह। तो अभी एंटर ही हुई हूँ, बहुत रश था, पार्किंग कितनी मुश्किलों से मिली है नीचे बेसमेंट में, पार्किंग में बहुत रश था। अभी आया है तो फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर आया, गर्मी भी बहुत थी, तो अभी यहाँ भी बहुत रश है। तो टाइमिंग थोड़ी होती है ना, इसलिए जल्दी जल्दी लोग आ जाते हैं, ज़्यादा रश पड़ जाता है। पहले 11 बजे की मॉल की टाइमिंग थी, 12 की होती है वीकेंड पे, तो फिर इतना रश नहीं होता। तो अब लोग कहते हैं बस हम आए हैं, तो अब सारे ही आ गए हैं, तो देखते हैं आगे। और फिर कुछ खाएंगे भी साथ में। मॉल तो मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया मॉल के, लेकिन मैंने कहा शेयर कर लूँ अभी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो देखते हैं अभी क्या लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। फ्रेंड्स, ये हमने 1 से की है शॉपिंग, ये रहे इसके अंदर कपड़े। अब हम जा रहे हैं आउटफिटर्स, तो ये रहा मॉल। इंजन ब्रांड में भी गए थे, सारे ब्रांड्स में गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं आउटफिटर्स। तो अभी तो हम बहुत घूमे हैं, तो देख लें आप कितना रश लगा हुआ है मॉल में। और ये व्यूवर्स, ये जो मशीन है ना, ये मसाजर है जो है, ये जो मसाजर है ना, ये मैं अपनी सिस्टर्स को, अपने घर वालों को कहती हूँ, लाइफ में मैं जब सही अमीर हो जाऊँगी ना, जस्ट फन के लिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, अल्लाह पाक सब खाते पीते अपने घर में, तो मैंने ये मसाजर लेके जाना है, मुझे बहुत शौक है। इसकी मैंने प्राइस पूछी थी 3.5 लाख, तो इंशाल्लाह मैं लेके जाऊँगी ये ज़रूर। कभी मौका मिला और ऐसी यूट्यूब पे बनी रही तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। देखें, मैंने आप लोगों को कहा था ना, और मैं ये ले आई हूँ, इंशाल्लाह जल्दी लूँगी। तो आप रश देख लें, अब हम जा रहे हैं यहाँ ब्रेक आउट, यहाँ पर भी देखते हैं, फिर हम कुछ खाएँगे, वहाँ भी आपसे मिलेंगे। तो कहीं एसी चला, कहीं एसी नहीं चल रहा, ऐसे ही है बस सारा। तो अभी एंटर होने लगे यहाँ, इन्होंने वीडियो नहीं बनाने देनी, और इन्होंने कहना मास्क पकड़ने। व्यूवर्स, ये हम आए थे आउटफिटर ना, आउटफिटर में, ब्रेकआउट में आए हैं, तो मुझे ये जूता पसंद आया। ये 3200 का है, पर इस पे लगा है डिस्काउंट, तो ये मुझे बन रहा है 1700 में। हाँ, हाफ प्राइस नहीं। तो ये वाला पाँव खुला है, तो आप लोगों ने बताना ये जूता कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। ये वाला पाँव क्यों खुला है? ये देखें, ये बड़ा भी है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने बताना ये जूता कैसा है, मैं ले लूं। तो व्यूवर्स, ये ले लिया मैंने जूता, मैं इसकी करने लगी हूँ पेमेंट। तो व्यूवर्स, हमने कर ली शॉपिंग, अब हम कुछ खाने लगे हैं। पता नहीं क्यों मेरी आँखें इतनी ज़्यादा डार्क लगने लग गई हैं। सर्दियाँ आएंगी ना, ठीक हो जाएगा, क्योंकि बड़ी दबा के मैंने इस दफ़ा गर्मियों में कुकिंग किया, उसकी वजह से हुआ सारा कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेयर्स पे, हूँ मैं, तो शॉपिंग माशाल्लाह कर लिया, तो अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, देखते हैं। डिसाइड किया मैंने, कहा पेरी पेरी खा लेते हैं, तो पेपर्स खाने जा रहे हैं, वो एमएम वाले रोड पर है, तो वहाँ चले हम। उसके विंग्स और राइस बहुत टेस्टी होते हैं, दिल करता है रोज़ खाऊँ, और तकरीबन मैं रोज़ ही खाती हूँ, तो रश बहुत है यहाँ। तो व्यूवर्स, हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि 9:16 हो रहे हैं, 10 बजे मॉल बंद होगा, तो 9:30-10 ऐसे गाड़ियों की लाइन लग जानी है पार्किंग में, कि हमें घंटा पार्किंग में ही लग जाएगा, फिर रेस्टोरेंट की डाइनिंग भी बंद हो जानी है, ये कोरोना की वजह से है सब। तो इसलिए अब हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं यहाँ से, देख ही रहे हैं आप पीछे रश कितना है, बहुत। ये लाइम लाइट है जिधर लाइन्स लगी हुई हैं, काउंट करके भेजना है, 10 से 12% अंदर भेज सकते हैं वो। तो अभी हम जा रहे हैं, मुझे भूख बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया, हर दफ़ा इंजॉय करते हैं, और आपको भी व्यूवर्स इंजॉय कराती हूँ। तो मैंने अपने व्यूवर्स, आप लोगों को बताना था कि मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही, कि मैं व्लॉग अब चैलेंजेस नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे यूट्यूब से वार्निंग आई है कि आप चैलेंजेस नहीं बना सकते। सो प्लीज़, जो मुझे बार बार कह रहे हैं ना चैलेंजेस बनाएं, तो मैं नहीं बना सकती, प्लीज़ वो समझ जाएँ, लेकिन वो मुझे अनसब्सक्राइब मत करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही रखें, और मेरा व्लॉग देखें, डेली व्लॉग, वो भी मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। जैसे उन्होंने पहले साथ दिया चैलेंजेस में, ऐसे यहाँ भी साथ दें, मेरा उनकी बहुत मेहरबानी होगी। तो अभी पार्किंग में जाती तो फिर मिल। तो व्यूअर्स, ये हमारा खाना गया, हम पेपर्स आ गए एम्पोरियम से, अभी रश नहीं
खाना पीना हमने खा लिया, तो अब मैं गाड़ी में आई हूँ, तो अब मैं जाने लगी हूँ घर। तो मुझे आज वुड बहुत याद आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना वुड याद आ रहा है मुझे। ज़ैनब का बहुत ज़्यादा है, ज़ैनब का पर मेरा भी है। मैंने उसको बचपन में बहुत अच्छा पाला है, रोज़ सुबह उठ कर खाना मैं डालती थी, उसको मेरे पीछे पीछे होता था, तो वुड मुझे बहुत याद आ रहा है। घर जाकर उसको सबसे पहले जब फिर डाल के प्यार करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, आप लोगों को भी वो याद आता होगा क्योंकि अब रोज़ मैं उसको दिखाती हूँ तो आदत तो हो गई होगी। तो अभी हम जाने लगे हैं घर। तो ट्रैफिक बहुत है लाहौर में, बहुत ट्रैफिक है, जहाँ जाओ ट्रैफिक लोग, जहाँ जाओ ट्रैफिक लोग, बहुत ज़्यादा। और गर्मी इतनी है, दोपहर में 44 टेम्परेचर था, लेकिन अब रात हुई है 10 बज गए, लेकिन कोई हवा नहीं चल रही, सेक नहीं करा। गाड़ियाँ भी इतनी है ना, तो उसकी वजह से ना पोल्यूशन बहुत है, गाड़ियों का सेक बहुत है। अगर हवा चलना भी चाहे तो वो चल नहीं पाती क्योंकि गाड़ियों के इंजन से ऐसे धुएँ और सेक और गर्माइश निकल गया। मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे का भी यही हाल हो रहा है। तो अब इन चीज़ों की हमें आदत पड़ गई, इनको अब हम छोड़ तो सकते नहीं। तो मेरा दिल करता है कभी कभी पुराने वक्त में जाऊँ, पुरानी चीज़ें हों, लकड़ियों से आग चलाएं और कोई गाड़ी ना हो, पैदल सफ़र करें पर ग्रीनरी हो, झीलें हो, पहाड़ हो। आजकल मेरा बहुत दिल करा ये माहौल हो, इस माहौल में जा कर बैठूँ, पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे आले भी आले दो आले बिल्डिंग्स, सामने भी बिल्डिंग्स, मेरी खुद बिल्डिंग इतनी बड़ी, पौधे और दरख्त नसीब ही नहीं होते कि बंदा देख ले थोड़े। तो बाहर देख लें आप ये बाइक का शोर। तो फिर पहुँचते हैं घर, बात करते हैं, वुड से मिलाती हूँ, अजूल से मिलाती हूँ, तब तक के लिए आप मेरा वेट करें। मेरे बाल पेट बहुत दर्द हुआ था ना, यकीन करो आप, गर्मी थी बहुत गर्मी थी। तो मैं आपको बता था मुझे वुड याद आ रहा है, मैं उसको जाके प्यार करूंगी घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको बाहर बैठे वाले मार रहे हैं। आप बैठे मेरा लाल पीला नीला, मेरा लाल पीला नीला, मुझे बड़ा याद आ रहा था। हाँ एक मिनट तो व्यूअर्स, आज का मेरा यही ब्लॉग था, आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर करा।